हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये नोटिफिकेशन है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो आप ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो आपको सेम डे मिल जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB द्वारा निकाला गया है। डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे आपका प्रोफाइल, शॉपकीपर, स्टोर कीपर, सेक्शन ऑफिसर, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे देखिए 7 जनवरी से स्टार्ट है और 6 फरवरी लास्ट डेट है इसको फॉर्म फिल करने का। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये प्रोफाइल्स हैं, कौन कौन से प्रोफाइल है, प्रोफाइल कोड दिया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट है, स्टोर कीपर का डिपार्टमेंट कहाँ पे, GB पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है। इसका पे ग्रेड ये है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो। उसी तरह इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो है दिल्ली जल बोर्ड में है जिसका टोटल वैकेंसी 46 है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर जो है एनिमल हस्बेंड्री यूनिट इन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 78 वैकेंसीज हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है उस तरह का। आप इस वेबसाइट पे जाके ये जो है इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ये 6 जनवरी रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिल, 12 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप अब यहाँ पे दिया गया है जैसे कि आप ये स्टोर कीपर का है डिपार्टमेंट दिया गया है, ये कहाँ पे इसको पोस्टिंग होगी, उसके बाद इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्रिटेरिया वो यहाँ पे दिया गया है। सर्टिफिकेट ये देखिए, डिजायरेबल एक्सपीरियंस ये सब नील है। और सैलरी ये देखिए, आपका 20,000 प्लस ग्रेड पे इतना मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगा जमीन फॉर द सेम डिपार्टमेंट। एज देखिए 18 से 27 साल है। उसी तरह हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक प्रोफाइल कर लीजिए। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में है, दिल्ली जल बोर्ड में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सैलरी 34,800 है, ठीक है। एज यहाँ पे दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 30 साल। सिविल इंजीनियर का दिया हुआ है 34,000 सैलरी है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। तो उसी तरह वेटनरी जो है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर जो है एनिमल के डॉक्टर्स हैं, उसकी सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेजिलेटर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ स्टेनोग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए स्टेनोग्राफ है। फिर ये देखिए ऑफिस अटेंडेंट है, इसका सर पे ग्रेड है। फार्मेसिस्ट है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैनेजर पब्लिक रिलेशंस, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर्स, सबका यहाँ पे दिया है। हर एक प्रोफाइल का कोड दिया हुआ है, उसके बाद उसका प्रोफाइल है, डिपार्टमेंट कहाँ, उसकी पोस्टिंग होगी, नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल दिस, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर, एज एंड सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जूनियर क्लर्क है, यहाँ पे देखिए जूनियर क्लर्क है, ड्राफ्टमैन है। उसके बाद देखिए लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर है, अकाउंटेंट है, ठीक है। इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से इन्होंने इसको बाइफर्केट किया है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद ये देखिए, आप यहाँ से जाके फॉर्म फिल कर सकते हो इस। उसके बाद देखिए पेमेंट जो है 100 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फ़ी भरना पड़ेगा। SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ी नहीं है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द एप्लीकेशन फीस, ठीक है। जो काम कर रहे हैं अभी, रिटायर नहीं हुए हैं, उसके लिए फॉर्म फिल करने के जो चार्जेज हैं वो लगेगा। और 2 पेपर होगा, 1 ट्रायल एंड 2 ट्रायल एग्जामिनेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, एंड देन फिर जाके आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। ये देखिए, देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट्स इन द सेम कैटेगरीज हैविंग इक्वल मार्क्स, तो उसमें क्या होगा, जिसका जो है आपका एज ज़्यादा है ना, तो वो उसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, अर्थमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। एंड देन फिर जाके यहाँ देखिए MCQs होगा,
एंड ट्रायल टू में देखिए इसमें रिटर्न होगा आपका एलिजिबिलिटी का कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट जो है इंडिया का होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ये सब दिया गया है, रिजर्वेशन जो है एससी एसटी कैंडिडेट को 5-10 साल ज़्यादा मिल जाएगा, ओबीसी को 5-3 साल, ठीक है। तो इस तरह का है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए एससी एसटी को 5 ईयर दिया है, ओबीसी को 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर, इस तरह का यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है ओवरऑल था इसमें, तो ये है ब्रीफ डिस्कशन इस प्रोफाइल के लिए। यहाँ पे देखिए सिलेबस हर एक का दिया गया, अच्छे से मेंशन किया गया कितने नंबर का आएगा इसमें। देखिए इस प्रोफाइल के लिए ये देखिए प्रोफाइल कोड दिया गया है, प्रोफाइल पोस्ट कोड जो है उसके हिसाब से 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन कोई नहीं होगा, टोटल ग्रैंड इतना होगा, सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये है, तो दोस्तों ये था ओवरऑल जो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ दिया 1/4, वो मोस्टली हर एक पेपर में होता है नेगेटिव मार्किंग अगर गलत हुआ तो। एक तो दोस्तों ये ओवरऑल था इसका ब्रीफ डिस्कशन इस नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों आप फॉर्म फिल कीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फॉर्म फिल कर सकें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।